हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेसिफाई चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा। हालांकि आज भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो हवाई जहाज में सफर करने के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि हमारे देश भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं। लेकिन जब हमारा बजट ज्यादा होता है और साथ ही सफर भी लंबा होता है, तो अधिकतर लोग फ्लाइट से सफर करना पसंद करते हैं। हालांकि फ्लाइट का किराया थोड़ा ज्यादा होता है और फ्लाइट की अलग अलग क्लास के हिसाब से इसका किराया कम ज्यादा होता रहता है, और अधिकतर लोगों ने फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास में ही सफर किया होता है। पर दोस्तों, फ्लाइट में इकोनॉमिक क्लास के अलावा फर्स्ट क्लास फ्लाइट और बिजनेस क्लास फ्लाइट भी होती है, और जिनके बारे में काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। और साथ ही फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास टिकट का किराया भी काफी ज्यादा होता है। हालांकि बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास फ्लाइट का किराया ज्यादा होता है, लेकिन इनमें सुविधाएं भी काफी सारी मिलती हैं। अगर आप भी हवाई जहाज में सफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी क्लास के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश भारत में मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा रहती है, और यही वजह है कि अगर वो हवाई जहाज में सफर करते हैं तो वो इकोनॉमी क्लास में ही सफर करना प्रिफर करते हैं। तो दोस्तों, प्लेन के थर्ड क्लास को ही इकोनॉमी क्लास कहा जाता है, और प्लेन या फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास का किराया भी सबसे कम होता है, और उसी के हिसाब से इसमें सुविधाएं दी जाती हैं, यानी कि इसमें बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास से कम सुविधाएं मिलती हैं। इकोनॉमी क्लास में पैसेंजर को सीट के सामने वीडियो देखने के लिए एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है। इसके साथ में कुछ और चीजें जैसे कि मैगजीन, हेडफोन्स और बहुत लिमिटेड मात्रा में खाने पीने की चीजें दी जाती हैं। दोस्तों, इकोनॉमी क्लास में तीन तीन कुर्सियां आपस में लगी हुई होती हैं। यहाँ पर आपको सीट के हैंडल पर हाथ के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आपके पास में जो पैसेंजर बैठा होता है, हो सकता है कि आपको उससे रिक्वेस्ट करनी पड़े कि क्या मैं यहाँ पर हाथ रख सकता हूँ। और अगर आप विंडो सीट पर बैठे हैं तो आपको टॉयलेट जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट जाने के लिए आपको आपसे पहले बैठे उन दो लोगों को उठाना होगा, और इसीलिए इस काम के लिए भी लोगों को काफी सोचना पड़ता है। साथ ही एयरप्लेन आइल में भी जगह काफी कम होती है, और अगर खाने पीने की बात की जाए तो इसके लिए एक लिमिटेड मेन्यू होता है, और जो हर किसी को एक जैसा ही दिया जाता है, जैसे कि इसमें दाल, रोटी, सब्जी, रायता, पानी की बोतल और चाय या कॉफी दी जाती है। अब अगर हम बात करें बिजनेस क्लास की, तो इसका किराया इकोनॉमिक क्लास से काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, और बिजनेस क्लास में ज्यादातर पैसे वाले लोग, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन सफर करते हैं, और यही वजह है कि इसका किराया ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ सुविधाएं भी ज्यादा मिलती हैं। बता दूं कि इसमें सफर करने वाले लोगों के लिए अलग से चेक इन एरिया होता है। अगर आप बिजनेस क्लास में सफर करते हैं तो वहाँ का स्टाफ आपके साथ काफी अच्छी तरीके से पेश आता है। बिजनेस क्लास में सफर करने वाले पैसेंजर के लिए एयरपोर्ट पर काफी अच्छी सुविधा होती है, जैसे कि उनके लिए वहाँ पर अलग से चेक इन एरिया होता है, और साथ ही उनको एक अलग से स्पेशल बिजनेस क्लास लाउंज भी उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ पर इंटरनेट, न्यूज़पेपर और खाने पीने जैसी सुविधाएं होती हैं। दोस्तों, बिजनेस क्लास की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें सफर करने वाले पैसेंजर्स को पहले उतारा जाता है, और साथ में कस्टम लाइन में भी सबसे पहले लगाया जाता है। बिजनेस क्लास में लगी कुर्सियों को आप पीछे की तरफ झुकाकर आराम से सो सकते हैं। इसमें साइड में हाथ रखने के लिए ज्यादा जगह होती है, और साथ ही कुर्सियों के बीच में भी इकोनॉमी क्लास के मुकाबले ज्यादा जगह होती है, और अंदर की तरफ बैठे व्यक्ति को बाहर जाने के लिए दूसरों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें एक तरफ दो ही लोग होते हैं। बिजनेस क्लास के अंदर जाते ही आपको फेस वाइप्स दिए जाते हैं, मतलब फेस और हाथों को साफ करने के लिए खुशबूदार रुमाल, और आप चाहें तो आप फ्री ड्रिंक भी मांग सकते हैं। इसमें आपको खाने पीने के लिए एक लंबा चौड़ा मेन्यू दिया जाता है, और जिसमें आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और आप चाहें तो वेज या नॉन वेज खाना मंगवा सकते हैं। साथ ही आप एयरपोर्ट पर लाउंज में सिर्फ अपनी टिकट दिखाकर आराम फरमा सकते हैं, और वहां लगे बुफे का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई इकोनॉमी क्लास के बाद बिजनेस क्लास में सफर करता है तो वो काफी स्पेशल महसूस करता है। तो ये तो बात हुई बिजनेस क्लास की, अब बात करते हैं फर्स्ट क्लास की। दोस्तों, फ्लाइट में फर्स्ट क्लास इकोनॉमी और बिजनेस क्लास से भी ऊपर होता है, और जिसे स्पेशली फेमस सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है। और दोस्तों, बिजनेस और इकोनॉमी क्लास के कंपैरिजन में काफी महंगा होता है, लेकिन इसमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो भी काफी स्पेशल होती हैं। फर्स्ट क्लास केबिन किसी भी प्लेन में सबसे आगे होता है, और जिसमें काफी ज्यादा स्पेस होता है। फर्स्ट क्लास में आराम के साथ साथ आपकी प्राइवेसी का भी खासा ध्यान रखा जाता है,
साथ ही खाने पीने की चीजों का भी स्पेशल मेन्यू होता है और प्लेन के फर्स्ट क्लास में जो खाना परोसा जाता है वो किसी 5-स्टार होटल के खाने से कम नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों 5-स्टार होटल के शेफ द्वारा ही ये खाना तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हवाई जहाज के इकोनॉमी, बिजनेस और फर्स्ट क्लास में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में। शुक्रिया।